ऑन डे वन आई स्पॉन एज ए एंशियंट वार्डन और मैं अपने आसपास देखता हूँ। मैं स्पॉन हुआ था काफी बड़ी एंशियंट सिटी के अंदर। मेरे सामने खड़ा था एक बहुत बड़ा एंशियंट वार्डन। पर यहाँ चल क्या रहा है? माय बॉय, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा स्पेशल हो, पर अपन यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। अपन को यहाँ से चलना पड़ेगा, उससे पहले यहाँ वो आ जाए। यहाँ कौन आने वाला है? फिर मैं ग्रैंड वार्डन के पीछे चल देता हूँ और वो ओल्ड वार्डन मुझे लेके आता है एंशियंट टेम्पल के पास। और वहां था एक काफी ज्यादा बड़ा ड्रैगन जो मेरे लोगों को मार रहा था। इसे एंशियंट बेबी के पास नहीं जाने देना है, मारो जल्दी से। और वो सारे लोग मुझे बचाने के लिए उसे फाइट कर रहे हैं और उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, पर ये मुझे बचा क्यों रहे हैं? वो ड्रैगन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और एक ही अटैक में उन सारे वार्डन्स को मार देता है। कहां है वो एंशियंट वार्डन? मुझे उसे मारना है और शांति से इस पूरे वर्ल्ड पे राज करना है। और उसके तब बोलते ही काफी सारे शूटिंग स्टार आसमान से गिरते हैं और उन शूटिंग स्टार की वजह से स्पॉन हो जाती है कॉस्मिक आर्मी। ये एंशियंट ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें मारे बिना ये रुकने वाला नहीं है, तो तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा और सारे एंशियंट पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। एक वही रास्ता है जिससे तुम इसे हरा सकते हो, जाओ जल्दी से। और इतने में वो ओल्ड वार्डन एक पोर्टल खोलता है और बोलता है, तुम जल्दी से एंशियंट क्लो ढूंढो और उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीजें समझा दूंगा, जाओ अब। रुको वॉरियर्स, वो यहाँ से भाग ना पाए, पकड़ो उसे। ऑन डे टू मैं उस पोर्टल से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ मैं एक एंशियंट में इसके अंदर आ चुका था। क्या एंशियंट क्लो यहाँ है? तो मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पोर्टल के अंदर से कॉस्मिक वॉरियर भी आ चुके थे। तुम हमसे बच के कहीं नहीं जा सकते, वापस आओ इधर। मैं उनसे बच के मेज के अंदर कहीं छुप जाता हूँ। मैं इनसे ज्यादा देर यहाँ छुप नहीं सकता, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। फिर मुझे कुछ अलग सी सेंसेशन होती है और उसकी वजह से मैं क्या देखता हूँ कि मैं दीवार के आर पार देख सकता हूँ। मैं तो सच में स्पेशल हूँ। तो मैं जल्दी से उनसे चुपके भागता हूँ। फिर उनसे बचने के बाद मैं पहुंचता हूँ मेन डोर के पास जहाँ रखा था एंशियंट क्लो। और ये मेरी किस तरह मदद करेगा उस ड्रैगन को मारने में? फिर मैं जल्दी से चल देता हूँ उस एंशियंट क्लो को लेने के लिए। पर अचानक से एक नीला पोर्टल खुलता है और सामने आती है एक अजीब सी चीज जिसके हाथ में एक बुक थी। एंशियंट वार्डन, तुम यहाँ क्लो लेने आए हो? पर तुम्हें ये चीज कैसे पता? पकड़ो इसे। अरे नहीं यार, ऑन डे थ्री कॉस्मिक मिनियन मेरे को ढूंढ लेते हैं, पर इससे पहले वो मेरे ऊपर अटैक करते, उनके सामने आ जाता है वो बुक वाला आदमी और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। और वो काफी अच्छी तरह लड़ रहा था, शायद ये लड़ना जानता है। पर मैं इस तरह खड़े होकर देख नहीं सकता, तो मैं जल्दी से एंशियंट क्लो लेता हूँ। और उसको लेने के बाद मेरे काफी ज्यादा बड़े नाखून हो चुके थे और उनकी मदद से मुझे मिले थे 5 new hearts। और उन नाखूनों की मदद से मैं चला जाता हूँ उन मिनियन से लड़ने के लिए। क्लोज की मदद से अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर पा रहा हूँ। एक दो मिनियंस को मारने के बाद बाकी के सारे मिनियंस मेरे से डर के भाग जाते हैं। We will back. थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, पर तुमने मेरी मदद क्यों करी है? क्योंकि एंशियंट वार्डन मैं ही हूँ तुम्हारा क्रिएटर। मैंने काफी सारे एंशियंट वॉरियर्स बनाए हैं, पर उन सब में से एक एंशियंट ड्रैगन एविल माइंड का निकला, जिसकी वजह से वो तुम सब लोगों को मार रहा है। अगर उसने सारे एंशियंट वॉरियर्स को मार दिया और उनकी पावर्स ले ली, तो फिर उसे पूरी दुनिया पे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता, यहां तक मैं भी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। पर इतने में एक थका हुआ वार्डन आता है और बोलता है, The Grand Warden needs you. मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा और ग्रैंड वार्डन के पास पहुंचना पड़ेगा। ऑन डे 4 मैं निकल जाता हूँ ग्रैंड वार्डन के पास, पर उसके पास पहुंचने से पहले मुझे मिलते हैं कुछ वार्डन जो यहाँ छुपे हुए थे। तो मैं इन वार्डन से पूछता हूँ, ग्रैंड वार्डन कहाँ पे है? पर अचानक से एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की आवाज आती है, तो मैं जल्दी से बाहर जाके देखता हूँ तो वहां ग्रैंड वार्डन लड़ रहा था एक बहुत बड़े बीस्ट से। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता हूँ उन दोनों की फाइट के बीच में और अपने न्यू पावर से उस पर अटैक करने लगता हूँ।
पर वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और हम दोनों पे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। एंशिएंट वार्डन, तुम्हें मारने के बाद केवल एंशिएंट ड्रैगन इस दुनिया पे राज करेगा। और ये बोलने के बाद वो बीस्ट वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये सब कुछ मुझे बचाने के लिए हो रहा है। शुक्र है एंशिएंट वार्डन, तुम ठीक हो। मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी वजह से काफी सारे लोगों की जान जा चुकी है, तो मुझे जल्दी से सबके लिए छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। ऑन डे 5 मैं पहुंचता हूँ एक सेफ जगह जहाँ से मैं काफी सारा स्टोन माइन करता हूँ और उनसे बना लेता हूँ स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स बनाने के बाद मैं करता हूँ अपने लिए एक परफेक्ट बेस तैयार जहाँ मैं रह सकता हूँ और मेरे बाकी लोग भी रह सकते हैं। अपना हाइड आउट बनाने के बाद मैं चल देता हूँ ओल्ड वार्डन के पास। अच्छा कराओ एंशिएंट वार्डन, जो तुमने एंशिएंट क्लो ढूंढ लिया। आगे जाके और एंशिएंट चीजें ढूंढोगे तो तुम काफी बड़े और पावरफुल एंशिएंट वार्डन बन जाओगे। ओल्ड वार्डन के ये बोलने के बाद अचानक से कहीं दूर से बहुत तेज धमाका होने की आवाज आती है, तो मुझे देख के आना पड़ेगा ये क्या हुआ है। अरे रुको, वहां मत जाओ। मैं ओल्ड वार्डन को इग्नोर करके चल देता हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऑन डे 6 वहां पहुंचने के बाद मैं क्या देखता हूँ, गोलम किंगडम पे अटैक हो चुका है। गोलम किंगडम के थोड़ी अंदर जाने के बाद मुझे दिखती है एंशिएंट गोलम और एंशिएंट ड्रैगन फाइट करते हुए, पर एंशिएंट गोलम अपना बेस्ट दे रहा था उसे फाइट करने में, पर वो कहां टिकता एंशिएंट ड्रैगन के पास, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था उससे, और एंशिएंट ड्रैगन उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। और उसको मारने के बाद एंशिएंट ड्रैगन के पास उसकी पावर आ चुकी थी। अब बस एक ही वॉरियर बचा, वो है एंशिएंट वार्डन, और उसको मारने के बाद मेरी पावर लिमिटलेस हो जाएगी और फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है इस दुनिया पे राज करने से। जाओ मिनियंस, जाके उसे ढूंढो। वहां से वो एंशिएंट ड्रैगन उड़ के जा चुका था। फिर मैं गोलम किंगडम में घूमने के बाद क्या देखता हूँ, मुझे दिखता है एक बेबी आयरन गोलम जो कि रो रहा होता है। हे बेबी गोलम, क्या तुम ठीक हो? वो ड्रैगन्स मेरे पेरेंट्स को मुझसे दूर ले गए हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सॉरी, मैं जो कर सकता था मैंने वो करा, और मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बाकी के एंशिएंट पार्ट ढूंढने। एक मिनट, शायद मैंने एंशिएंट हॉन्ट्स के बारे में कुछ सुना है और वो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या सच में? अगर मुझे वो मिल गया तो मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। क्या तुम मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो कि वो मुझे कहाँ मिलेगा? ऑन डे 7 जो बेबी गोलम ने मुझे डायरेक्शन बताई थी, मैं निकल जाता हूँ उस डायरेक्शन के अंदर, और काफी देर चलने के बाद मुझे मिलती है एक सिटी। फिर उसके पास मैं चल देता हूँ सिटी के अंदर, पर जैसे ही मैं उस सिटी के पास पहुंचता हूँ तो मैं एक गड्ढे में गिर चुका था। नीचे गिरने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक अंडरग्राउंड हाइडआउट के अंदर आ चुका था, और यहाँ काफी सारे विलेजर्स थे और एक स्मॉल नाइट फॉक्स। ये क्या तरीका है? किसी के घर में घुसने का? अरे अरे, मैं तो बस एंशिएंट हॉर्न ढूंढने के लिए आया था। अच्छा वो चीज। गुड लक। गुड लक, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फिर वो नाइट फॉक्स मुझे लेके जाता है किंगडम के अंदर। वहां जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि चारों तरफ म्यूजिकल नाइट खड़े हुए थे। देखो यहाँ कोई और ना हो। जो तुम यहाँ कार्ड्स देख रहे हो ना, ये सब एंशिएंट हॉर्न की रखवाली करने के लिए, और तुम्हें लगता है तुम इनसे बच के उसे ले लोगे? अगर तुम उसे ले लेते हो तो हमारा भी फायदा हो जाएगा। हम सबको निकाला गया कंडक्टर के द्वारा। कौन कंडक्टर? वही कंडक्टर जो तुम्हारे हॉर्न की पीडिंग करता है। तो अगर तुम वो हॉर्न ले लेते हो तो मेरी पीपल्स की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हाँ, इसे लेना तो आसान नहीं होगा, पर क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? ऑन डेट हम दोनों छुपके निकल जाते हैं मैन कैसल की तरफ, और काफी देर छुपके चलने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे मैन कैसल के पास। और उस मैन कैसल के अंदर पहुंचने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक अजीब सा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में फायर थी, और वो शायद म्यूजिक सुना रहा था क्योंकि उसके आसपास काफी ज्यादा ऑडियंस खड़ी थी। तुम मेरी रेगुलर ऑडियंस नहीं लग रहे हो, कौन हो तुम?
और उसको ध्यान से देखने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो मेरा हॉर्न यूज कर रहा था। अरे हो, ये मेरा हॉर्न है, लाओ मुझे वापस कर दो। ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि इसकी मदद से मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हॉर्न मेरा है और मुझे चाहिए। और तुमने सारे विलेजर्स को भी घर से बाहर निकाल दिया, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। ओहो, तो ठीक है, ये लगता है ये टाइम है कुछ नया परफॉर्म करने का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो अचानक से जमीन कांपने लगती है और म्यूजिकल नोट्स मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मुझसे मत पूछो। और ये क्या, अब तो म्यूजिकल फिश भी आ गई है। अरे ये कहां से आ रहा है ये सब कुछ? ओह माय गॉड, इससे लड़ना तो काफी ज्यादा हार्ड है। फिर मैं धीरे धीरे उसके अटैकर से बच के कंडक्टर के पास पहुंचता हूँ और उस कंडक्टर के पास पहुंचने के बाद उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता हूँ और वो मर चुका था। मैं उसे कभी नहीं मरता। उसके बाद वो ड्रॉप करके जाता है एंशिएंट हॉर्न। फिर मैं जल्दी से वो हॉर्न लेता हूँ। मैं अपग्रेड हो चुका था, मेरे पास 5 न्यू हार्ट्स थे और मैं अब काफी बड़ा भी हो चुका था। और मेरा नया अटैक था एंशिएंट बीम। जैसे म्यूजिक खत्म होता है सारे नाइट्स वापस होश में आ चुके थे। लगता है कंडक्टर ने म्यूजिक की पावर से इन सब का माइंड कंट्रोल कर लिया था। मैं कहाँ हूँ और यहाँ क्या चल रहा है? तो अब वो जा चुका है और मेरे पीपल से हम यहाँ सेफली रह सकते हैं और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से, तो थैंक यू एंशिएंट वार्डन। वुल्फ नाइट, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? अपन दोनों काफी ज्यादा एडवेंचर करेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो। ऑन डे 11-12 मैं और वुल्फ आ जाते हैं अपने बेस के ऊपर। बेस पे आने के बाद मैं वुल्फ नाइट के लिए उसका वॉच टावर बनाता हूँ और वॉच टावर बनने के बाद थैंक यू डेविड, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे इस विलेज को बचाने में लगा दूंगा, थैंक यू। फिर मैं अपने विलेज के अंदर घूम रहा होता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, एक वार्डन स्पाइडर मेरी स्कल्स चोरी कर रही है। वो मुझे देख के भागने लगती है तो मैं उसे जल्दी से पीछा करता हूँ और वो स्पाइडर बोलती है, ये मैं अपने लिए नहीं चुरा रही, इन स्कल्स की हमारे किंग को बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दो। पर वो स्पाइडर केवल भाग रही थी तो मैं उसका जल्दी से पीछा करता हूँ और पीछा करते करते स्पाइडर के सामने आ जाती है रवीन। पर स्पाइडर अपने वेब की मदद से रवीन क्रॉस कर लेती है। अरे यार मैं कैसे क्रॉस करूंगा, आइडिया, तो मैं जल्दी से एक ब्रिज बनाता हूँ और उसके पीछे भागने लगता हूँ। मैं पहुंच चुका था एक बहुत बड़े कॉस्मिक कैसल के पास और वहां पहुंचने के बाद मैं क्या देखता हूँ, यहाँ तो बहुत सारे मिनियंस हैं जो मेरा डे वन से पीछा कर रहे हैं। अरे यार ये मैं कहाँ आ गया? और कैसल के टॉप पे बैठा होता कॉस्मिक ड्रैगन और वो हवा में उड़ रहा था और अपने लोगों को कुछ बोलता है। हमारा न्यू डिवाइस तैयार हो चुका है, बस हमें बस एक वार्डन की जरूरत है, फिर उसके बाद उस एंशिएंट वार्डन को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। और वो वार्डन स्पाइडर सीधा कॉस्मिक कैसल के अंदर चली जाती है। नहीं, तुम वापस आओ जल्दी से यहाँ। डे 15-16 फिर मैं मिनियन से छुपके कैसल के अंदर जाता हूँ। अरे यार कहाँ गई यार वो स्पाइडर? अरे ये आवाज कैसी? तो मैं उस आवाज के पास जाता हूँ तो देखता हूँ वो स्पाइडर कॉस्मिक बीस्ट के सामने खड़ी थी। वाह क्या किस्मत है मेरी, तुम स्पाइडर सीधा मेरे सामने आ गई हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर मैं सीधा कॉस्मिक बीस्ट के पास जाता हूँ और अपनी एंशिएंट बीन से अटैक कर देता हूँ। वो एंशिएंट बीन काफी पावरफुल थी पर वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और मेरे ऊपर अटैक करे जा रहा था। नहीं यार ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके इन अटैकों से मैं केवल 1 हार्ट पे बचा हूँ। और अचानक से वो स्पाइडर अपने वेब से उस बीस्ट को रोक लेती है। ओ ये तो काफी ज्यादा कूल है। बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ से चलो। हम दोनों वहां से बच के भागते हैं और हम दोनों पहुंच चुके थे एक सेफ जगह। ये यहाँ क्या चल रहा है? और वो तुम स्कल्स चोरी क्यों कर रही थी?
मुझे कुछ स्कल्स की जरूरत थी क्योंकि हमारे किंग को जिंदा रहने के लिए इन स्कल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और एंशिएंट स्कल्स यूजर ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। क्या तुमने एंशिएंट स्कल का? क्या अपन दोनों ट्रेड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पर वहाँ जाना आसान नहीं होगा। क्या तुम रेडी हो? डे 17-18 मैं चल देता हूँ इस स्पाइडर के पीछे और वो स्पाइडर मुझे लेके आती है एक बहुत बड़े गड्ढे के पास और बोलती है, ये हमारा घर है। पर वो तो सब ठीक है, मैं इस गड्ढे के अंदर कैसे जाऊंगा? अरे हाँ, तुम तो एक स्पाइडर नहीं हो, पर एक मिनट रुको। और वो स्पाइडर मुझे काटती है। अब ठीक है, अब तुम्हारे पास वार्डन स्पाइडर एबिलिटीज आ चुकी है, अब तुम मेरे साथ चल सकते हो नीचे। और फिर उसके बाद वो स्पाइडर तो अपनी वेब की मदद से नीचे चली जाती है। डेविड तुम बिल्कुल मत डरो, तुम भी ऐसा कर सकते हो। ओ ये मैं तो सच में पावर यूज कर पा रहा हूँ। पर मैं इसे कंट्रोल कैसे करूंगा? तो मैं जल्दी से अपनी आंखें बंद करता हूँ और खुद को काम करता हूँ। फोकस करने के बाद मैं नीचे पहुंच चुका था और नीचे जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि काफी सारी स्पाइडर्स मेरी तरफ ही देख रही थी। ये तो कुछ ठीक नहीं है। और अचानक से एक आवाज आती है, क्या मेरे घर पे एक एंशिएंट वार्डन आया है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर पे एक एंशिएंट वार्डन आएगा। डे 90-21 स्कल स्पाइडर मेरी तरफ देखती है नम आंखों से। हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए, एंशिएंट वार्डन। उसके बाद वो बड़ी स्पाइडर साइड हटती है और वहां था एंशिएंट स्कल। अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका और काफी हजार सालों से मैंने इन स्पाइडर्स का ध्यान रखा है। इस अनोखे स्कल ने मुझे काफी साल जीवित रखा है। हाँ पर मुझे भी इसकी जरूरत है। क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें जिंदा रख सके? बस केवल एक चीज है जो मुझे जिंदा रख सकती है, आओ मेरे पीछे। फिर उसके बाद मैं उस बड़ी स्पाइडर के पीछे चलता हूँ। वो स्पाइडर उस केव से बाहर निकलती आ चुकी थी एक बहुत बड़ी लैब के पास। यहाँ जो पागल साइंटिस्ट रहता है, इसके पास ही है स्कल डीएनए, जिसकी मदद से मैं और साल जिंदा रह सकता हूँ। ठीक है मैं समझ चुका हूँ। डेविड तुम्हें याद रखना होगा कि अभी तक मेरी एक भी स्पाइडर्स उससे मुकाबला नहीं कर पाई है, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। डे 22-26 मैं पहुंचता हूँ लेबोरेटरी के पास और मैं पहुंच चुका था फाइनली लैब के अंदर। और उस लैब के अंदर जाने के बाद मुझे कहीं साइंटिस्ट तो नहीं दिखता, पर यहाँ काफी सारे लैब के इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और वहां थे काफी सारे पोर्शंस, पर उनमें से एक पोर्शन काफी ऊंचाई पर रखा हुआ था और वो काफी ज्यादा चमक भी रहा था। शायद यही है वो पोर्शन। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना अपनी बीन से इस पोर्शन को नीचे गिरा दिया जाए। तो मैं जल्दी से अपनी पावरफुल बीन का अटैक करता हूँ और वो पोर्शन तो नहीं गिरता पर काफी सारे और पोर्शन गिर जाते हैं। ओह नो, कौन है मेरी लेबोरेटरी के अंदर जो उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है? कोई जल्दी से लैब के अंदर भाग के आता है, पर वो और कोई नहीं था, वो वही था, वो पागल साइंटिस्ट। क्या बात है, एक एंशिएंट वार्डन, ये तो काफी ज्यादा रेयर है और इससे तो काफी ज्यादा रेयर पोशंस बन सकते हैं माय डियर। वो पागल साइंटिस्ट मेरे ऊपर अपने मैकेनिकल हैंड से अटैक करने लगता है और उससे तो काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। तो मैं अपनी एंशिएंट बीन तैयार करता हूँ, पर उससे पहले ही वो मेरे ऊपर पोशन फेंकने लगता है और मैं इससे पहले कमजोर पड़ता तो मुझे एक आइडिया आता है, क्यों ना इसके ऊपर वो सारे पोशन गिरा दिया जाए। मैं जल्दी से अपनी बीन का अटैक करता हूँ और इसके ऊपर सारे पोशन गिरा देता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? सॉरी। पर वो पोशंस की वजह से काफी स्लो हो चुका था और वो अभी भी काफी ज्यादा टफ था, पर मैं अपने बड़े नाखूनों से उसको आसानी से मार देता हूँ। और उसको मारने के बाद मैं जल्दी से वो पोशन लेता हूँ और निकल जाता हूँ उसकी लैब से।
मैं जल्दी से उसी केव के अंदर जाता हूँ जहाँ वो एंशिएंट स्पाइडर किंग था। मैं जल्दी से उसको पोशन देता हूँ। तो फाइनली तुमने उस पागल साइंटिस्ट को हरा दिया। और उसको पोशन देने के बाद वो जल्दी से वो पोशन पीता है तो वो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब तो मुझे पहले से ज्यादा बेटर फील हो रहा है। यस, मजा आ गया। लो, ये स्कल अब तुम्हारा हुआ। और फिर वो स्पाइडर साइड होती है और मुझे वो स्कल लेने देती है। और उसको लेने के बाद मैं काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और मेरे 5 मोर हार्ट और ऐड हो चुके थे। डे 33-35 मैं अपने बेस के ऊपर आता हूँ और बेस के ऊपर आने के बाद अचानक से मेरा पूरा बेस कांपने लगता है। अचानक से मेरे घर के सामने एक बुक आ जाती है। ये कहाँ से आ गई यार? और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे उस बुक से काफी नॉलेज मिलती है और अचानक से उस बुक का क्रिएटर समन हो जाता है। डे 36-39 उसके समन होती मेरा विजन थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है और वहां सिर्फ मैं और वो क्रिएटर थे। डेविड, तुमने काफी अच्छी तरह सरवाइव करा है इतने दिनों तक, पर तुम अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं हुए हो। हाँ, पर जो मेरे से हो सका मैंने वो करा है। हाँ, मुझे पता है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें नेक्स्ट एंशिएंट पार्ट के बारे में बता सकूं, जो है एंशिएंट वार्डन हार्ट। कहाँ है वो? कहाँ है वो? तुम्हें मिलेगा वोल्केनो के पास, वो भी नेदर की गहराइयों में, पर वो भी नॉर्मल बायोम में नहीं, डीप डार्क बायोम के अंदर। तुम उस बायोम को ढूंढ लेते हो तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा नेदर स्कल वोल्केनो। हाँ, तो मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और अचानक से वो क्रिएटर वहां से गायब हो जाता है और उसके गायब होने के बाद मेरा विजन क्लियर हो चुका था और मैं वहीं अपने बेस के ऊपर था। फिर मैं बिना किसी देरी के अपने बेस को छोड़ के चला जाता हूँ। और जैसे ही मैं उस केव से बाहर निकलता हूँ तो मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि मेरे सामने खड़े थे कॉस्मिक बीस्ट और मिनियंस। क्या ये नहीं हो सकता यार? ओह ये, तो मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और इतने में मेरे ऊपर कॉस्मिक बीस्ट और मिनियंस अटैक करने लग जाते हैं और फिर वो मेरे ऊपर एक और पावरफुल स्ट्राइक करता है। और उसके इस स्ट्राइक के बाद मुझे काफी ज्यादा वीक महसूस हो रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। डे 40-44 मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ मैं केज के अंदर बंद था और हवा में झूल रहा था और मेरे आसपास इतने सारे मिनियन और वो बीस्ट भी था। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इतने में वो कॉस्मिक बीस्ट मेरे पास आता है। इस बार तुम बच के कहीं भी नहीं जा सकते और थोड़ी देर में कॉस्मिक ड्रैगन आता ही होगा जो तुम्हें खत्म कर देगा। अरे नहीं, मैं तो यहाँ बुरी तरह फंस गया और ड्रैगन आते ही मुझे खा जाएगा। तो मैं जल्दी से केस तोड़ने की कोशिश करता हूँ पर इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। पता नहीं ये किस सीमेंट का बना है, पर अचानक से कहीं से कॉस्मिक बीन आती है और केज को तोड़ देती है। ये कहां से आई है? और मैं अपने सामने देखता हूँ तो मेरे सामने खड़ा था ओल्ड वार्डन। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, चलो जल्दी। और जैसे हम दोनों गेट के पास पहुंचते हैं तो हमारे सामने उड़ रहा था कॉस्मिक ड्रैगन। ओह नो, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डे 45-47 कॉस्मिक ड्रैगन हमारी तरफ आता है और बोलता है, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? हमें यहाँ से जाने दो बद्दे ड्रैगन। तुम्हें अपनी जवान पे लगाम देनी चाहिए, देखना चाहिए कि तुम कहाँ हो और किससे बात कर रहे हो। तुम्हें पता होगा कि मैं अब इस पूरी दुनिया पे राज करने वाला हूँ और उसी के साथ मैं तुम्हें बहुत प्यारी मौत और दर्दनाक पौध देने वाला हूँ। तुम एक बुरे ड्रैगन हो, तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते इस दुनिया पर राज करना। और वो ड्रैगन मेरे ऊपर काफी पावरफुल अटैक की तैयारी करता है पर इतने में वो ओल्ड वार्डन आता है और अपने ऊपर ले लेता है वो अटैक। जल्दी से यहाँ से भागो डेविड, जल्दी। पर मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। फिक्र मत करो,
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और ग्रैंड वार्डन एक पावरफुल अटैक करता है जो ड्रैगन को पीछे ढकेल देता है और वो वहाँ नेदर स्टार गिराता है। चल देता है कॉस्मिक ड्रैगन से लड़ने के लिए। फिर मैं जल्दी से स्टार उठाता हूँ और वहां से निकलता हूँ। पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ड्रैगन ने ओल्ड वार्डन को मार दिया था। नहीं, पर इतने में मेरे पीछे एक नेदर पोर्टल खुलता है। पर अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो मैं जल्दी से उस पोर्टल के अंदर चला जाता हूँ। डे 48-51 मैं एक अजीब सी रॉकी बायोम के अंदर पहुंचता हूँ और उस ग्रैंड वार्डन ने मुझ पे ट्रस्ट करके अपनी जान गंवा दी। मुझे उस वॉल्केनो को ढूंढ के उस ओल्ड वार्डन का बदला लेना है। धीरे बोलो। मैं मुड़ के देखता हूँ, मुझे दिखती कुछ मैग्मा स्नेल जो कि डरी हुई थी। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हम तुझसे नहीं डर रहे हैं बेवकूफ वार्डन, हमें तो डर लग रहा है केवल उस नेदर के बड़े पिगलिंग से। क्या तुम मुझे उसके घर का पता बता सकती हो? हाँ, चलो मेरे पीछे। और फिर मैं उन दोनों स्नेल का पीछा करता हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद मैं क्या देखता हूँ, एक बड़ा पिगलिंग स्नेल्स के घर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ। अरे तुम शांत हो जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। क्या मैं शांत हो जाऊँ? मैं शांत बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इन स्नेल्स ने मेरा गोल्ड ले लिया है और मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकता इस बात को लेके। और वो पिगलिंग मेरे ऊपर मैजिकल अटैक करता है। डे 52-53 वो पिगलिंग स्नेल्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर मैं स्नेल्स को प्रोटेक्ट करता हूँ, पर लगता है ये पिगलिंग जादूगर है क्योंकि ये बार बार मुझ पे मैजिकल अटैक कर रहा है। और अचानक से समन कर लेता है एक ग्रास्ट को। क्या ये तो लगता है बहुत तगड़ा जादूगर है। और उसके साथ साथ ये काफी ज्यादा फास्ट था, मेरा एक भी अटैक इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। अरे रुक जाओ बाबा, तुम रुक जाओ। बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे अपना गोल्ड नहीं मिल जाता। पर इतने में स्नेल आती है और बोलती है, ठीक है ये लो, ये है तुम्हारा सारा गोल्ड। हाँ, मुझे पता था तुम्हारे पास ही है सारा मेरा गोल्ड। तुमने इस पिगलिंग का गोल्ड क्यों लिया? अब अपने घर की हालत देखो जरा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चमक रहा था मेरे दोस्त। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। पर हाँ, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ कि वो वोल्केनो कहाँ पे है। डे 54-56 वो पिगलिंग अपने जादू से ठीक वोल्केनो के सामने स्पॉन करता है। और उस वोल्केनो के पास पहुंचने के बाद क्या मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा? पर मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगा, ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। कुछ इस तरह। और वो पिगलिंग मेरे को धक्का दे देता है। मैं कहाँ आ गया, ये लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैं थोड़ी बहुत अपने पार्कोर की स्किल्स दिखा के आगे बढ़ता हूँ। और पार्कोर करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं वोल्केनो के हार्ट के पास आ चुका था, पर यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। डे 57-59 मैं आसपास एंशियंट हार्ट को ढूंढने लगता हूँ, पर क्या ये एंशियंट हार्ट है? हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। तो एंट्रेंस पे एक अजीब सा क्रीचर खड़ा था। हाँ, ये एंशियंट हार्ट है, पर तुम्हें इसे फुलफिल करना पड़ेगा। हाँ, पर ये कैसे होगा? और मैं एक एंशियंट वार्डन हूँ। चुप बच्चे, मुझे सब पता है और लगता है मुझे चेक करना ही पड़ेगा कि तुम इस लायक हो या नहीं। और वो अजीब सा क्रीचर मेरे ऊपर अटैक करने लगता है। तो मैं जल्दी से एक खड्डा खोदता हूँ और पुल के पास पहुँचता हूँ। और पुल में सोनिक बीम मारने के बाद वो सीधा हार्ट से कनेक्ट हो जाती है। ओ, लगता है ये ऐसे फिल होगा। और उन तीनों पुल्स के अंदर सोनिक बीम मारने के बाद वो हार्ट पूरा फिल हो चुका था। तो वो फिल हो चुका था और उसकी साइज छोटी हो जाती है। डेविड, तुमने साबित कर दिया है तुम इस हार्ट के लायक हो, जाओ तुम्हारा रिवॉर्ड ले लो। और उसको लेने के बाद मेरे 5 न्यू हार्ट और बढ़ चुके थे, मैं न्यू अटैक भी कर सकता था। ये तो काफी कूल चीज है। डे 64-68 मैं ग्रैंड वार्डन का आइटम यूज करता हूँ और एक पोर्टल खोलता हूँ। और जैसे ही मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर आता हूँ तो आसपास देखता हूँ तो पूरी जगह करप्ट हो चुकी थी, वो भी कॉस्मिक एनर्जी के कारण। ओह नो, ये तो बहुत बुरी बात है। और इतने में अचानक से कॉस्मिक बीस्ट आता है और मेरे ऊपर अटैक करने लगता है।
और उसके ब्लो काफी पावरफुल थे, पर मैं अपने न्यू अटैक का इस्तेमाल करता हूँ और उसे वन ब्लो के अंदर मार देता हूँ। यस, अब मेरे पास काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स हैं। अब मुझे जल्दी से अपने घर चलना चाहिए। डे 69 to 72, मैं अपने घर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा था। अपने बेस के ऊपर घूमने के बाद मुझे पता चलता है यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। ये क्या हो गया मेरे बेस को? हेलो, कोई है? डेविड, यहाँ। और मैं आवाज का पीछा करता हूँ तो मुझे दिखता है नाइट फॉक्स। ओह शुक्र है तुम जिंदा हो, पर मुझे माफ करना, मैं टाइम पे नहीं आ पाया। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। सबकी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी और मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। नहीं, तुम अपने आप को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉस्मिक वॉरियर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे मुकाबले। तुम ऐसे अपने आप को ब्लेम मत करो, और बस केवल अब मुझे लास्ट पीस चाहिए और उसको मिलने के बाद मैं सबको बचा लूंगा। लास्ट पीस? हाँ, मैंने शायद ग्रैंड वार्डन को इसके बारे में बोलते हुए सुना था, और शायद वो वार्डन कैरक्रॉम्स के वजह से। क्या, वार्डन कैरक्रॉम्स? और हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि वो कहाँ है। मैं नाइट वॉरियर का पीछा करता हूँ और हम थोड़ी देर चलने के बाद पहुंच चुके थे वार्डन कैरक्रॉम के पास। हाँ, ये वही है जिसके बारे में ग्रैंड वार्डन ने काफी कुछ बोला था। ओल्ड वार्डन ने मेरे को इस बारे में तो कुछ नहीं बताया कि ये कैसे खोलना है। काश ओल्ड वार्डन यहाँ होता और हमें बता पाता। पर अचानक से एक बहुत बड़ा चमगादड़ आता है और मेरे पीछे से अटैक कर देता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। ए, दूर रहो उससे। और इतने में वो नाइट वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और वो हम दोनों पे काफी ज्यादा पावरफुल से अटैक करता है। पर अचानक से नाइट काफी तेज चिल्लाता है और मैं क्या देखता हूँ कि वो अपग्रेड हो चुका था और ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है अब तो, और साथ ही में इसका आर्मर और सॉर्ड भी अपग्रेड हुई है। वाह क्या बात है। और वो जल्दी से बैट के ऊपर अटैक करता है, वो सीधा उड़ के गेट पे भिड़ता है और गेट टूट जाता है, और उसी के साथ ही वो बैट वहां से भाग जाता है। ओ ये फॉक्स, अब तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। डे 75 to 80, हम दोनों उस गेट से अंदर चले जाते हैं। हम दोनों मेन रूम के अंदर पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि ओल्ड वार्डन की स्प्रिट आ चुकी थी। आखिरकार तुमने कर दिखाया मेरे बच्चे। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये कैसे हुआ। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज हो, मुझे तुम पे नाज है, और तुम्हारी डेडिकेशन देख के मैं काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ। और बहुत जल्द तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, जिससे तुम कॉस्मिक ड्रैगन से भी सामना कर पाओगे। पर उससे पहले तुम्हें एक बैटल जीतनी पड़ेगी, वो भी मेरे और तुम्हारे बीच में। और अचानक से एक फ्लैश होती है और मैं अरीना में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, वो भी ओल्ड वार्डन की स्प्रिट के सामने। उसके बाद ओल्ड वार्डन मेरे ऊपर अटैक करता है, पर मैं उसके इस अटैक को डॉज करता हूँ और उसके पीछे से अटैक करता हूँ, और उसके 3-4 अटैक करने के बाद वो वार्डन पीछे जाता है और मुझे काफी गर्व से देख रहा होता है। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। और इतना बोलने के बाद उस ओल्ड वार्डन की स्प्रिट छोटी होती है और मेरे से मिल जाती है, और उसके कारण मेरे पास 10 मोर हार्ट और हो चुके थे, और साथ ही में मैं अब तक का सबसे पावरफुल वार्डन बन चुका हूँ। डे 95 to 99, हम सब मिलके पहुंचते सीधा कॉस्मिक ड्रैगन के बेस के ऊपर। हमारे सामने खड़ी थी कॉस्मिक मिनियंस की पूरी फौज, उनके ऊपर खड़ा था वही कॉस्मिक ड्रैगन। कितने लाचार हो तुम, जो तुम अपने छोटे छोटे दोस्तों को लेके आए हो मुझसे लड़ने के लिए। कमजोर वार्डन, जा मेरी कॉस्मिक मिनियंस की फौज, जाके इसे खत्म कर दो। और उसके तब बोलने के बाद तुरंत कॉस्मिक फोर्स मेरे ऊपर अटैक करने की जा जाती है, पर इस बार मैं अकेला नहीं था तो हम सब मिलके एक साथ अटैक करते हैं उन सब पे। और मेरे सारे दोस्तों ने कॉस्मिक मिनियंस को संभाल रखा था, और अब बारी थी उस कॉस्मिक ड्रैगन से लड़ने की।
ऑन द 100 मैं पहुंचता हूं उस कॉस्मिक ड्रैगन के पास। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे वीक वार्डन? हाँ बिल्कुल, वो भी यही और इसी वक्त। मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे एंशिएंट दोस्तों को और इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और फिर हम दोनों फाइट करने लगते हैं। काफी देर फाइट करने के बाद वो ड्रैगन एक पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है मेरे ऊपर। मैं नीचे जमीन के अंदर घुसता हूँ और उसके पीछे से निकलता हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरे ओल्ड वार्डन को मारा था। ये लो, और मैंने इतने पावरफुल अटैक कभी भी नहीं करे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? और साथ ही में एक पावरफुल अटैक के साथ मैं उसे खत्म कर देता हूँ। यस, मैंने कर दिखाया और इस पूरी दुनिया को बचा लिया।